प्यारे छात्र, अब चलते हैं हम लोग ट्वेल्थ का ही मैथ्स पढ़ने में। ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 5.1। का 16 नंबर तक के हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर से कि 17 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर में क्वेश्चन, सबसे पहले मैथ्स को करने के लिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे ताकि ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा इसका ज्यादा अपलोडिंग करने में भी ज्यादा एमबी खर्च होगा। तो उसको देखते हुए आप अपने पास किताब रखिए और क्वेश्चन देखिए और हम उसका समझा कर सॉल्यूशन करवा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि गिवन है, याद रहे हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है, बुक है तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। गिवन एफ एक्स का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है कितना, तो ए एक्स प्लस वन और एक है बी एक्स प्लस थ्री। इसका वैल्यू कब है? जब एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है या बराबर है। इसका वैल्यू कब है? जब एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है। अच्छा, सवाल में और बोल रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। यानी कि सवाल में हमको बोल रहा है कि एक्स बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कि वी एफ एल एच एल और आर एच एल तीनों बराबर है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि कंटिन्यूअस होने का जो कंडीशन है वो तीन ठो है, वी एफ एल एच एल और आर एच एल। तो यहां कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 3 पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वी एफ एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या है? बराबर है। सवाल बोल रहा है कि हमको ए और बी में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब संबंध ज्ञात करना है, एक समीकरण निकालना है, उसमें ए और बी ही होना चाहिए। सवाल में बोला कंटिन्यूअस है 3 पर, इसलिए वी एफ एल एच एल आर एच एल क्या है? बराबर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आप वी एफ निकालिए। तो वी एफ कैसे निकालते हैं? तो जिसमें 3 पर अगर आप चेक कर रहे हैं ना, तो एट एक्स बराबर 3। तो वी एफ कैसे होगा? तो वी एफ उसी को लेंगे ना जिसमें बराबर सटा हुआ है। तो बराबर यहां है 3 के बराबर, इसलिए हम इसको वी एफ में यूज करेंगे। तो वी एफ बराबर क्या है? ए एक्स प्लस 1। इसलिए एफ फंक्शन 3 पे वी एफ जो होगा 3 पे क्या होगा, तो एक्स के जगह पे 3 रखेंगे, तो 3a+1। हम क्यों वी एफ में ऊपर वाला ही यूज किए? क्योंकि 3 पे चेक करना है, तो 3 इक्वल है, इसलिए ऊपर वाला ही लेंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग एल एच एल यूज करते हैं। एल एच एल, एल एच एल के लिए हम लोग यूज करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, उसके बाद 3 माइनस है एच टेंस टू 0 एक्स माइनस एच माइनस 3। यानी कि जहां पे भी एक्स टेंस टू चेक कर रहे हैं 3 पे, तो 3 माइनस, ये हम लोग लॉजिक पहले थ्योरी में पढ़े हुए हैं। फिर उसके बाद एच टेंस टू 0 रखा जाता है और यहां एच माइनस 3 करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 3 से छोटा कौन है? 2 फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें से चुनना है कि 3 से छोटा किस में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। यहां पे देखिए एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है और यहां पे वैल्यू 3 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब हमको एल एच एल में तो छोटा यूज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला लिखेंगे, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ इसके जगह पे, यानी कि ए एक्स प्लस 1। तो एक्स के जगह पे कितना रखेंगे? एच माइनस 3। तो यहां हो जाएगा ए एच माइनस 3+1। अब जहां एच है वहां पे कितना रखना है? 0। तो अगर यहां पे 0 रखेंगे तो क्या होगा? सॉरी 3 माइनस एच, यहां पे मिस्टेक हो रहा था, यहां पे 3 माइनस एच, तो यहां हो जाएगा
थ्री माइनस एच। अब एच की जगह पे जीरो रखेंगे तो यहां हो जाएगा थ्री माइनस जीरो, थ्री और थ्री को ए से गुना करेंगे थ्री ए और प्लस में कितना वन। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे आरएचएल। तो आरएचएल के लिए क्या रूल है, जब आप एलएचएल सीख चुके हैं तो आरएचएल भी आपको आता होगा। जैसे लिमिट यहां पे थ्री माइनस है तो यहां पे एक्स टेंस टू थ्री प्लस, क्यों, क्योंकि सवाल बोला है कि तीन पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इसका मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। अच्छा थ्री प्लस फिर एफ एक्स, लिमिट यहां पे एक्स को हटाकर एच टेंस टू जीरो कीजिए और यहां एफ थ्री प्लस एच कर दीजिए, यानी कि तीन से ज्यादा। अब आप खुद सोचिए कि दो फंक्शन में से कौन सा फंक्शन तीन से बड़ा है, तो तीन से ये तो छोटा ना है, ये तो बड़ा है, तो तीन से बड़ा वाला फंक्शन का नाम क्या है, बी एक्स प्लस थ्री। तो आप यहां पे लिखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे एक्स के जगह पे क्या रखना है थ्री प्लस एच, तो यहां हो जाएगा बी इंटू थ्री प्लस एच प्लस थ्री। अब जहां एच है वहां क्या रखना है, जीरो रखना है, तो थ्री में जीरो ऐड कीजिए थ्री और थ्री को बी से गुना कीजिए थ्री बी और फिर थ्री को ऐड कर दीजिए यानी कि थ्री बी प्लस थ्री। तो इस तरीके से आप तीनों निकाल लीजिए, वी एफ एल एच एल और आर एच एल। अब सवाल में बोल रहा था कि कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि थ्री ए प्लस वन थ्री ए प्लस वन थ्री बी, तो कंटिन्यूअस तो नहीं है सर, तो यहां पर कंटिन्यूअस है नहीं, लेकिन सवाल में चूंकि बोल रहा है कि है कंटिन्यूअस तो आपको मानना पड़ेगा। जब कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होना चाहिए, तो फिर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। याद रहे आप मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम लोग एक ही में ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, आप कॉपी में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक नोट करेंगे। तो वी एफ निकल गया, एल एच एल आर एच एल, तो अब हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन वन। वन में क्या था कि वी एफ एल एच एल आर एच एल तीनों बराबर, तो वी एफ का मान क्या आया था थ्री ए प्लस वन, एल एच एल का मान क्या था थ्री ए प्लस वन, आर एच एल का मान क्या आया था थ्री बी प्लस थ्री। अब इसमें से इसीलिए तो हमको सवाल बोल रहा है कि ए एंड बी के बीच आपको समीकरण निकालिए, ए और बी के बीच रिलेशन बताइए, क्यों, क्योंकि सवाल में बोल रहा था कि तीनों इक्वल है यानी कि कंटिन्यूअस है। तो अब आप इसी में से कोई दो ठो ले लीजिए, क्योंकि तीन ए तो आपस में बराबर ही है, इसलिए थ्री ए प्लस वन थ्री बी प्लस थ्री। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थ्री ए इज इक्वल टू, इधर प्लस में वन है, चाहे तो आप दोनों में से कोई एक ही ले लीजिए क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है, इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो थ्री बी प्लस थ्री माइनस वन, यानी कि थ्री ए प्लस थ्री सॉरी इक्वल टू थ्री बी, तीन में से एक गया दो, इसलिए ए बराबर क्या हो गया, तो तीन इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, मतलब कि थ्री बी प्लस टू बटा में तीन, इसलिए ए बराबर, इसको भी हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं, ये रूल होता है मैथ्स का कि ए प्लस बी बटा अगर सी रहेगा तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, मतलब ए बाई सी प्लस बी बाई सी अलग अलग तोड़ सकते हैं। इसी को फॉलो करते हुए यहां पे अगर आप तोड़ेंगे तो थ्री बी बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, तो यहां पे थ्री से थ्री कैंसिल होगा यानी कि आंसर होगा ए बराबर बी प्लस टू बाई थ्री। तो ये मेरे दोनों में रिलेशन हो गया, यानी कि ऐसे ही सवाल सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 17। आप तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर चूंकि कंटिन्यूअस बोल रहा है तो तीनों को बराबर करके ए और बी के बीच में समीकरण निकाल देना है, इक्वेशन निकाल देना है। चलिए उसके बाद हम आपको टाइम नहीं दे रहे नोट करने के लिए, एक क्लास तो है नहीं, आप वीडियोज को पॉज करके और फिर सवाल को नोट कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन को नोट करने का कोशिश कीजिए। अगर हम वेट करेंगे आप नोट करने का तो फिर ज्यादा टाइम चलेगा, इसलिए आप वीडियोस को पॉज करके ही इसका सवाल का सॉल्यूशन देखिए समझिए, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर कॉल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर
जो भी ग्रुप है उसमें सेलेक्ट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, क्या ऐसे सवाल बन सकता है, तो उसको हम देखेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी कि इसमें भी आपको गिवन एक फंक्शन है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा और बराबर है तब, बी एक्स प्लस थ्री, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था, 4x प्लस 1 कब यूज करना है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा। तो बोल रहे कि दो सिचुएशन है, सवाल में बोल रहा है दो केस है, हमको बोल रहा है कि लैम्डा का क्या मान रखा जाए, सवाल समझिए, लैम्डा का क्या मान रखा जाए कि कंटिन्यूअस हो जाए, कितना पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, 0 पर, या और कंटिन्यूअस होना चाहिए एक पर, यानी कि ये जो सवाल है इसमें दो सवाल है, राइट, एक बोल रहा है कंटिन्यूअस जीरो और एक बोल रहा है कंटिन्यूअस वन, यानी कि हमको क्या करना है, लैम्डा का क्या मान रखा जाए, 2, 4, 6, 8 कुछ तो मान होगा ना, तो लैम्डा का क्या मान रखा जाए कि जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाए, राइट, यानी कि हमको जीरो पर कंटिन्यूअस दिखाना है लैम्डा का क्या मान रखने पर, हो सकता है कि लैम्डा का जगह पर अगर 2 रख दें तो जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस का मतलब VF, LHL और RHL बराबर हो जाए। तो सबसे पहले ऐसा काम करते हैं कि दो सिचुएशन है, एक ही सवाल में दो सवाल है, नंबर 1 एंड नंबर 2, हम कंटिन्यूअस जीरो पर हम बनाकर दिखाते हैं और इसका सवाल सॉल्यूशन करना है कंटिन्यूअस वन पे, यानी कि वन वाला पे आपको खुद से सॉल्यूशन करना है और फिर भेजना है बनाकर ग्रुप में किसका सही है, अगर आपको गलत रहेगा तो हम खुद बनाकर भेजेंगे, राइट। तो पहले समझते हैं कि जीरो वाले पे लैम्डा का मान कैसे निकलेगा, वैसे ही आपको वन पे लैम्डा का मान निकालना है, वन पे लैम्डा का मान निकालना है। सबसे पहले अगर कंटिन्यूअस जीरो पर बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एट एक्स बराबर जीरो पे पुट आउट कीजिए, एक्स बराबर जीरो पे पुट करेंगे वीएफ, तो वीएफ क्या होगा, तो एफ जीरो, जितना पर चेक करते हैं वही ना वीएफ होता है। और आप बताइए कि जीरो किसमें बराबर लगा हुआ है, जीरो किसमें इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल तो इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाला लेंगे तो लैम्डा एक्स के जगह पे जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और जीरो को लैम्डा से गुना करेंगे तो जीरो वैल्यू आ जाएगा, यानी कि वीएफ का मान कितना आ गया, जीरो। चलिए अब एक्स बराबर जीरो पे ही आप एलएचएल निकालिए, एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ये रूल होता है, फिर लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पे होगा जीरो माइनस h, और आप खुद सोचिए कि जीरो से छोटा ना, तो जीरो से छोटा ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो यहां पे देखिए जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा होता है, तो जीरो से छोटा ये हुआ, तो यहां पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो लैम्डा x का मतलब क्या, जीरो माइनस h, तो जीरो माइनस h का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, तो एक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, और हम लोग यूज करेंगे एच के जगह पे जीरो, तो एच के जगह पे जीरो, तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, यहां पे भी जीरो, और जीरो को लैम्डा से गुना करेंगे जीरो, यानी कि एलएचएल में भी आया जीरो। अब आरएचएल में क्या होगा, आरएचएल कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट के बाद क्या, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, यहां पे जीरो माइनस एच है तो यहां हो जाएगा जीरो प्लस एच,
अब बताइए कि जीरो से बड़ा कौन सा होगा, जीरो से बड़ा कौन होगा, तो ये जीरो से छोटा वाला ऊपर होता है ना, छोटा ऊपर है देखिए साइन, और ये जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो जीरो से बड़ा ये है, तो जीरो से बड़ा वाला में हम लोग यूज करेंगे 4x+1, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ, और यहां पे जीरो प्लस एच यूज करेंगे तो 4 × 0 + h + 1, और एच के जगह पे आप अगर जीरो रखिएगा तो 4 × 0 = 0 + 1 आया। आप एक बात बताइए कि जीरो पर vf का मान जीरो आया, lhl का मान जीरो आया और वन आया, तो बोला जा रहा है कि लैम्डा के किस मान पे, लैम्डा का मान क्या रखा जाए कि जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा का वैल्यू अगर आप कुछ भी रखिए, अगर लैम्डा की जगह पे चार होता, सोचिए चार होता तब पर भी जीरो आता, यहां पे चार होता तब पर भी जीरो, लेकिन आरएचएल वाला में कुछ भी रहता तो वन ही ना आता, हमको तो लैम्डा से तो मतलब नहीं ना है आरएचएल को, क्योंकि इसमें लैम्डा तो है ही नहीं है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स वन आता, इसका वैल्यू फिक्स वन आता, यानी कि लैम्डा का कोई भी ऐसा मान नहीं है, यानी कि आप कुछ भी रख लो लैम्डा का मान कभी भी कंटिन्यूअस जीरो पर हो ही नहीं सकता है। और हमको सवाल क्या बोल रहा था कि लैम्डा का कितना मान रखा जाए कि जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाए, तो भाई मेरे लैम्डा का वैल्यू अगर मान लिया जाए कि आठ होता तो आठ होता तब पर भी तो जीरो होता, आठ होता तब पर भी जीरो होता, लेकिन क्या यहां लैम्डा से कोई मतलब है आरएचएल को, नहीं, क्योंकि वो हमेशा थाना हुआ है कि हम वन ही आएंगे, आरएचएल में वो वन ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप लैम्डा का मान निकाल ही नहीं सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट नॉट डिफाइन, लैम्डा का वैल्यू नहीं निकल सकता है किसके लिए, जीरो होने के लिए, जीरो पर कंटिन्यूअस होने के लिए लैम्डा का वैल्यू कुछ नहीं निकाला जा सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लैम्डा का वैल्यू अगर कुछ भी रखिए तो वीएफ एलएचएल तो बराबर आ जाएगा जीरो जीरो, लेकिन ये तो ठाना हुआ है ना कि आप लैम्डा का कुछ भी रखो ऊपर वाला में, हम तो इससे माने मतलब रखते हैं, और इससे माने मतलब का मतलब हम वन आएंगे, तो मेरा कहने का मतलब कि जो पहला केस था जीरो वाला कि जीरो पर कंटिन्यूअस यानी कि तीनों इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा है नहीं, इसलिए लैम्डा इज नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइन नहीं हो सकता है किसके लिए, तो फोर कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी कि हम क्या सवाल किए x = 0 पर सॉल्यूशन करके दिखाएं कि लैम्डा का वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो जाए जीरो पर। अब आपको क्या काम करना है, यही काम एक पर सोचना है कि अगर एक पर बोलता तो यहां vf एक यूज करते, तो एक यूज करते तो एक किस में आता है, जीरो से छोटा में कि जीरो से बड़ा में, तो जीरो से बड़ा में इसको यूज करते। अब LHL का मतलब वन माइनस, तो वन माइनस का मतलब वन से जरा सा छोटा 0.9 something, तो 0.9 भी तो इसी में आएगा, 4x + 1 यूज करते, यानी कि इसी को यूज करना है LHL में। जब RHL है तो जब जीरो से बड़ा है तो वन से बड़ा भी तो हो ही सकता है ना इसमें, यानी कि वन पे चेक कीजिएगा तो vf भी नीचे वाला यूज करना है, LHL भी नीचे वाला ही यूज होगा, मतलब वन माइनस का मतलब क्या 0.9 something, तो नीचे वाला यूज होगा, RHL भी नीचे वाला यूज होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब आप वन पे चेक करेंगे तो vf LHL RHL में नीचे वाला फंक्शन यूज होगा, और नीचे वाला फंक्शन यूज होगा तो क्या लैम्डा का जरूरत पड़ा, नहीं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस वन वाले पे भी जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो नॉट एग्जिट आएगा, उस पर एग्जिट ही नहीं करेगा, लैम्डा का वैल्यू कोई मान रखो हमको कोई असर पड़ने वाला है ही नहीं, यानी कि लैम्डा इज अनडिपेंडेंट, यानी कि लैम्डा जो है इस पर डिपेंड ही नहीं होगा, लैम्डा जो है अनडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वन वाले पे, यानी कि लैम्डा जो है लैम्डा को कोई मतलब ही नहीं ना भाई, वन को चेक करने के लिए आप vf भी तो यही वाला यूज करेंगे, वन किस में आएगा, तो नीचे वाला में, जीरो से बड़ा वाला में, वन से थोड़ा सा छोटा,
तो इसी में आएगा, यानी कि इसको तो इससे मतलब ही नहीं है, इसलिए नीचे वाले से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का वैल्यू अनडिपेंडेंट होगा कंटिन्यूअस वन के लिए, यानी कि एक वाले जो कंटिन्यूअस है उसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो लैम्डा अनडिपेंडेंट है, उसके वैल्यू वेरी नहीं करेगा, राइट। फिर भी आप इसका सवाल जो है बनाकर, जैसे कि सबका वैल्यू वगैरह, आप हमें सेंड कीजिएगा ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में, और फिर हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, यानी कि यह अधूरा सवाल है, इसमें एक और वन बोल रहा था, तो वन पे भी आपको चेक करना है कि क्या है या क्या नहीं है। चलिए उसके बाद 19 नंबर, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू इतना इतना डिस्कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, हियर gf ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सवाल है दोस्त, gx इज इक्वल टू x माइनस gi ऑफ x। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये अक्सर जो ब्रैकेट वाला होता है, इस सवाल में लिखा हुआ है कि एक जीआईएफ है। प्यारे छात्र, जब क्लासेस स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग एफपीएफ वैल्यू ऑफ फंक्शन और जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग पढ़े थे। क्या होता है इसका वैल्यू जरा समझते हैं। होता क्या है कि अगर मान लिया, इसको पढ़ते हैं, यहां पे कोई वैल्यू है और बड़ा ब्रैकेट है, इसको समझते हैं जी आई एफ। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मतलब होता है। अब इसका वैल्यू आप जरा निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। अक्सर जो होता है ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे मान लिया कि दो लिखो या दो का ब्रैकेट लिखो, बात बराबर ही है। परंतु अगर किसी किसी सवाल में दो का ब्रैकेट लिखा रह जाए, उसमें ये लिखे कि ये जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब आपको उसका वैल्यू जो है समझना पड़ेगा। यानी मेरा मतलब साथियों ये है, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी सवाल में अगर आपको जीआईएफ का सवाल आएगा, तो खुद सवाल में लिखा हुआ रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर शॉर्ट फॉर्म रहेगा जीआईएफ, राइट। मेरा मतलब कि अगर किसी सवाल में अगर ब्रैकेट वाला सवाल आता है, अगर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या जीआईएफ लिखा हुआ रहेगा, तब उसका वैल्यू बदल जाता है। अगर ये नहीं लिखा रहे तो अब आप इसका एक्स का वैल्यू, जो ब्रैकेट है उसका एक्स भी समझ सकते हैं, लेकिन इस सवाल में इसके जगह पे बोला है कि ये क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए तो यहां पे समझते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लिया कि चार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो फुल्ली चार ही होगा, यानी कि अगर कोई पॉइंट में इंटीजर नहीं है, यहां पे कोई संख्या पॉइंट में नहीं है, चार है तो उसका वैल्यू चार होगा। परंतु अगर ये 8.2 है तो इसका वैल्यू सिर्फ 8 होगा, यानी कि अगर पॉइंट में का अगर जीआईएफ निकालने बोलेगा तो उससे छोटा वाला वैल्यू करता है, राइट। जैसे अगर हमको बोल दिया कि 0.2 का वैल्यू क्या होगा, तो 0.2 है ना, इसका वैल्यू 0 होगा, उससे छोटा होगा, पॉइंट वाला नहीं होता है कभी, यानी कि इधर जो आंसर आता है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। अगर हमसे सवाल बोलेगा कि आप बताओ 8.9 का क्या होगा आंसर, तो इसका 8 ही होगा, मतलब इससे छोटा होता है, अगर कहीं भी पॉइंट में रहता है तो उसका वैल्यू छोटा होता है। अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि 12.01 का क्या होगा, तो इसका फुल्ली 12 होगा, मतलब उससे छोटा होता है, अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट वाला कैंसिल आउट हो जाता है, वो जीआईएफ निकालते हैं। तो सवाल हमको बोल रहा है कि यहां पे जो जीएक्स का वैल्यू है वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का दिया हुआ है, और फिर हमको चेक करना है कि क्या कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए जीआईएफ का मतलब तो समझ गए कि जीआईएफ क्या है। जीआईएफ अगर पूरा पूरा रहेगा, अगर 10 रहेगा तो 10,
लेकिन अगर पॉइंट रहेगा तो छोटा वाला, जैसे 10.4 का जीआईएफ 10, 11.8 का 11, 12.4 का 12, राइट। तो ये जीआईएफ का वैल्यू है और जीआईएफ का मतलब आप समझ गए। तो अब जीआईएफ का सॉल्यूशन है, यहां पे जो सवाल है वो जीएक्स बराबर दिस दिया हुआ है और आगे क्या बोला है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी हमको ये प्रूफ करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है ऑल पॉइंट पे, ऑल पॉइंट पे। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या बोल, सवाल बोल रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस। हमको क्या प्रूव करना है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सबसे पहले किस पे चेक करना है, हमको तो सवाल बोल ले रहा है कि किस पे चेक करो भाई, एक पर, दो पर, तीन पे, कुछ पे भी तो चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। यहां पे तो कुछ नहीं बोला सवाल में, तो हम आपको अपने से बोल लेने बोले हैं कि अगर आपको कुछ नहीं बोले तो एक्स बराबर आप सी ले लीजिए, सी या डी या एन पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है उससे। तो हम एक्स बराबर सी पे चेक कर रहे हैं, तो एक्स बराबर सी पर आप पहले वी एफ निकालेंगे, तो वी एफ कैसे होगा, तो एफ ऑफ सी, सॉरी यहां पे जी है तो यहां पे जी ऑफ सी, जी एक्स बराबर इतना है तो आप जी सी निकालेंगे तो यहां क्या होगा, सी माइनस सी का ब्रैकेट। तो आपको पता है ना कि सी अगर पूरा पूरा रहेगा, यहां तो पॉइंट में नहीं है, सी का मतलब हम पूरा पूरी पूरी वाला नंबर लिए हैं 2, 4, 6, 8, यानी कि सी हम खुद से मान लिए हैं क्योंकि कुछ नहीं हमें बोल रहा था कि कितना पे चेक करना है, तो हम सी माने हुए हैं। अब सी पर चेक कर रहे हैं, वी एफ निकालेंगे तो जी एक्स के बजाय जी सी लिखेंगे और यहां एक्स है तो यहां पे सी माइनस एक्स का जी आई एफ तो सी का जी आई एफ। और अभी हम बोले ना कि चार का जी आई एफ जो होगा वो चार ही होगा, फुल का फुल ही होता है, यानी कि सी का जो जी आई एफ निकलेगा वो सी होगा मतलब कि जीरो। चलिए अब इसका वी एफ निकल गया, अब एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल कैसे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना पे चेक कर रहे हैं, सी पे, तो यहां होगा सी माइनस फिर एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ आदत हो गया, यहां पे जी एक्स लिखा हुआ है सवाल में, तो जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहां हो जाएगा एफ सी माइनस एच, क्यों, क्योंकि सी पे चेक कर रहे हैं, अगर चार पे चेक करते तो चार माइनस एच, तीन पे चेक कर रहे थे इसके पिछले वाले सवाल में तो थ्री माइनस एच, तो यहां हो जाएगा सी माइनस एच। अब सी माइनस एच है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच, सी माइनस एच का मतलब यहां एक्स के जगह पे सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच यहां पे। अब जरा पे आपको एक बात हम बताते हैं कि ये बात क्या बोल रहे हैं, राइट। सी माइनस एच का मतलब क्या, अगर हम चार पे चेक कर रहे होते तो चार से थोड़ा सा कम का मतलब 3.9 और 3.9 का मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू तो बदल जाता ना, इसका वैल्यू बदल जाता, 3 हो जाता। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर नहीं, जैसे हम सी पे चेक कर रहे हैं तो आप सी पे चेक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हम पांच पे चेक करें तो आप पांच पे चेक कर लो भाई, आठ पे तो आठ पे चेक कर लो, अगर कोई वैल्यू नहीं भी दिया रहे तो अक्सर जो है ना अननोन वैल्यू पे चेक किया जाता है, चार पे तो थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि आप कैसे कंफर्म मान लिए कि चार ही होगा, हालांकि आप चार पे भी चेक कर सकते हैं, वी एफ एल एच एल आर एच एल निकालिए और डिसकंटिन्यूअस आएगा तो यहां पर प्रूव हो जाएगा हम लोग का, लेकिन हम यहां सी पे चेक कर रहे हैं अभी तक के तो एक्स की जगह पे सी माइनस एच, यहां भी सी माइनस एच। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर हम चार अगर लेते तो यहां लिमिट एल एच एल का मतलब होता थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम का मतलब यहां हो जाता 3.9 और 3.9 का जीआईएफ कितना, 3, यानी कि एक कम हो जाता,
यानी कि अगर आप C पे चेक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C माइनस एच का जो वैल्यू होगा C माइनस एक हो जाता। यानी कि अगर आप 9 पे चेक कर रहे होते हैं तो LHL में 8.9 का इंटीजर, LHL का मतलब थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा छोटा का जो GIF बनेगा वो 8 बनेगा। किसी पे भी वैल्यू चेक करना हो तो, जैसे अगर 10 पे चेक करना होगा तो 10 का LHL क्या बनेगा, थोड़ा सा छोटा, 10 का थोड़ा सा छोटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो 9.9 बनेगा, और 9.9 का GIF 9 बनेगा, यानी कि एक कम हो जाता है LHL में। तो यहां H के जगह पे 0, तो यहां हो जाएगा C माइनस, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो C माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 पे चेक कर रहे होते तो इसका GIF 3 बनता, अगर आप 8 पे चेक करते तो GIF 7 बनता, इसीलिए आप C पे चेक कर रहे हैं तो इसका जो GIF बनेगा वो एक कम बनेगा। और यहां H के जगह पे 0 रखिए तो C में से 0 हो गया C माइनस C माइनस 1। यहां पे H का वैल्यू 0 नहीं रखना है, यहां पे ये बता रहा है कि C से थोड़ा सा छोटा रखना है, तो C से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, जिससे मान लिया 8 पे ही चेक करते आप तो 8 से थोड़ा सा छोटा क्या होता, 7.9, और इसका GIF कितना बनता, तो 7 एक कम न हो गया, इसीलिए हम C पर चेक कर रहे हैं तो यहां एक कम करके लिखे और इसका वैल्यू C माइनस C और माइनस माइनस प्लस 1, यानी C से C कट गया, इसका वैल्यू आ गया 1। यानी कि LHL का वैल्यू कितना आया 1, VF का वैल्यू कितना आया 0। चलिए अब हम RHL दिखाते हैं, RHL लिमिट X टेंड्स टू RHL के लिए यहां पे C प्लस GX लिमिट H टेंड्स टू 0 यहां पे F C प्लस H, C प्लस H। अब जहां पे सॉरी F गलती से लिखा जा रहा है, यहां पे G होगा क्योंकि यहां G में फंक्शन है ना, इसलिए यहां पे G रख रहे हैं, इज इक्वल टू। अब बताइए हमें इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, स्पेस बनेगा, कट गया और यहां। अब बताइए C से थोड़ा सा ज्यादा, सबसे पहले यहां पे X के जगह पे C प्लस H है तो यहां पे आप लिखिए C प्लस H सॉरी लिमिट H टेंड्स टू 0 C प्लस H माइनस C प्लस H का GIF। अब बताइए हम इधर एक समझाना चाहते हैं, अगर आप 8 पे चेक कर रहे होते तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा क्या होता, 8 प्लस 1 होता, और उसका GIF तो 8 ही ना लिखते। यानी कि आपको थोड़ा सा यहां समझना है कि LHL का मतलब क्या, थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम का मतलब वो पूरे एक कम हो जाएगा GIF में। उसी तरीके से RHL का मतलब क्या, 8.1 जितना पे भी चेक कर रहे होते, अगर मान लीजिए सी के जगह पे 8 होता चाहे 7 होता तो उसका RHL में थोड़ा सा ज्यादा 8.1, और 8.1 का क्या हो जाता, तो पूरा पूरी 8 होता। इसका मतलब यह हुआ कि RHL में C प्लस H का जो वैल्यू है वो C प्लस H डायरेक्टली निकल जाएगा, यानी कि C प्लस H माइनस C प्लस H पूरा पूरी, यानी कि C प्लस H का C प्लस H ही होगा, और H के जगह पे 0 रखेंगे या फिर दोनों कट जाएगा तो 0 होगा। और आपको यहां से देखने से पता चल रहा है कि तीनों जो है अनइक्वल आया, यानी कि उसके नीचे लिख देंगे, स्पेस का कमी है इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं, इसलिए VF सो VF इज इक्वल टू, VF जो है किसके इक्वल आया, RHL, लेकिन नॉट इक्वल आया LHL, सो इट इज, इसलिए इट इज डिसकंटिन्यूअस। प्रूफ, यही सवाल में बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था कि ये दिया गया जो GX फंक्शन है वो प्रूफ करना था कि हमको डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले GIF का मतलब समझ में आया, GIF का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पॉइंट पर रहे तो उससे छोटा वाला वैल्यू होता है। तो आप VF निकालिए, LHL निकालिए, RHL निकालिए, अगर तीनों अनइक्वल आया तो डिसकंटिन्यूअस होगा और इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो आज हम तीन सवाल किए, 17, 18, 19, और आगे वाले वीडियोज में हम 20 से सॉल्यूशन देंगे। अगर कोई क्वेश्चन एक ही जैसा का होगा
एक ही तरह से लॉजिक आएगा, एक ही तरह से बनेगा, तो हम उसको आपको छोड़ देंगे, आप कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में उसको बनाकर, यानी कि आपको पढ़ते रहना है। एक मोटिवेट के तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं समझना है, कि थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाना है, और बुक आपके पास है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखिए। अगर आप चाह रहे हैं तो राह आसान है, बोलते हैं ना, इसलिए अगर आप अगर ठान लिए कि हमको पढ़ना ही है तो आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए, और जो पहले हम लोग चैप्टर पढ़े उसका भी रिवाइज कीजिए अदर टाइम में। तो ये हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी छोड़े हैं उसका मेरा आशा है कि जरूर आप सॉल्व करके और ग्रुप में सेंड कीजिएगा, भेजिएगा, और फिर हम आपको डिसाइड करेंगे किसका सही है किसका गलत है, और फिर आगे वाले वीडियोज में आगे के सवाल हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।